दोस्तों आज हम बात करेंगे 2019 में आने वाले होंडा की बाइक के बारे में जिसका नाम है होंडा CB 300R। तो आइए हम जानते हैं कि इस बाइक में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है और ये बाइक आपको दिखने में कैसी है, इसके बारे में आप लाइक करके हमें बता सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे होंडा CB 300R की स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसमें आपको मिलता है 286cc की इंजन। अगर हम बात करेंगे इसके सिलेंडर का, इसमें आपको मिलता है सिंगल सिलेंडर विद लिक्विड कूल का आपको इसमें इंजन का ऑप्शन मिल जाता है। हेलो दोस्तों, अगर आप कार और बाइक के बारे में सही न्यूज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए आगे बढ़िए। होंडा CB 300R की अगर हम पावर की बात करें तो ये जनरेट करती है 30 bhp के पावर। इसमें आपको मिलता है 27.5 Nm का टॉर्क। अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे, इसमें आपको मिलता है 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अगर हम CB 300R के कंपेटिटर की बात करें, जब ये दोस्तों मार्केट में आएगी तो ये आते ही साथ टक्कर देगी KTM की 390 वाली बाइक को, 250 ड्यूक वाली को और बेनाली के TNT 25 वाली बाइक को। साथ ही जो है कावासाकी J250 भी इसके अंडर में आ जाती है। अगर हम बात करेंगे इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की, दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस बाइक की आपको एक्सपेक्टेड प्राइस पड़ेगी भारत में 2 लाख रुपये से लेकर 2 लाख 10 हज़ार रुपये के बीच। अगर हम माइलेज की बात करें दोस्तों, आपको बता दें अभी ये बाइक मार्केट में आई नहीं है, 19 तक जो है आ जाएगी, तो उसके हिसाब से जो आपको पता चल जाएगा। तो इसी ही जानकारी और वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे साथ। आपको ये बाइक कैसी लगी आप लाइक करके हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ऐसी जानकारी वाली और अपडेटेड न्यूज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।